अस्सलाम असल वरह वा सुबाई और वफाकी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ताज़ा तरीन अपडेट हैं आपके साथ शेयर करने हैं नोटिफिकेशन दो ये सुबाई मुलाजमीन के लिए हैं और वफाकी मुलाजमीन के लिए भी नोटिफिकेशन है इसके अलावा सबसे बढ़कर जो पंजाब के मुलाजमीन जिसका इंतज़ार कर रहे हैं जिस नोटिफिकेशन का जो अठारह जुलाई को नोटिफिकेशन आया था तनख्वाहों में तीस परसेंट इनिशियल बेसिक पर जो इजाफा हुआ था और पेंशन सिर्फ पाँच परसेंट बढ़ी थी अब इसका जो रिवाइज नोटिफिकेशन आना है ग्रेड एक से सोलह पैंतीस परसेंट ग्रेड सेवनटीन एंड अबाव तीस परसेंट और पेंशन सत्रह परसेंट उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट दी है खालिद संगेरा साहब ने और रमाज अली बाजवा साहब ने वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इसके साथ साथ ये इकतीस जुलाई का एक नोटिफिकेशन है जी इस्लामाबाद का कमिश्नर चीफ कमिश्नर ने ये कम अज़ कम उजरत जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया है इसका भी बड़ा इंतज़ार हो रहा था डेली वेजेस का नोटिफिकेशन आ गया है ये काफ़ी साथी पूछ रहे थे भाई ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं नोटिफिकेशन आ चुका है कम अज़ कम उजरत का ये इकत्तीस सात का नोटिफिकेशन है डेली वेजेस की जो उजरत बढ़ा दी गई है जिसका ऐलान बजट में किया गया था और ये जो अनस्किल वर्कर हैं उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोटिफिकेशन दे दूंगा जी इसके अलावा जो ये तीन नोटिफिकेशन आए थे 18 जुलाई को पंजाब के एक रिविजन ऑफ द रेट्स ऑफ अलाउंसेज ये कौन कौन से हैं इंटीग्रेटेड अलाउंस वॉशिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस इसकी बढ़ा दी गई थी ये रेट बढ़ा दिया गया था ये बजट में ऐलान किया गया था अठारह जुलाई के आया था कन्वेंस अलाउंस जो था लेट सिटिंग अलाउंस होता है ये लेट सिटिंग अलाउंस जो होता है उसका कन्वेंस अलाउंस रिवीजन ऑफ द रेट ऑफ कन्वेंस अलाउंस चार्जेस फॉर द लेट सिटिंग ये भी नोटिफिकेशन है अठारह तारीख़ का ये भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे स्पेशल अनाउंस का नोटिफिकेशन आ चुका था पंजाब का अब पंजाब का जिस नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे देखें जो पंजाब का इस वक्त मसला है ये काशिफ शहजाद चौधरी साहब जो सूबाई सदर हैं गीगा के वो कह रहे हैं कि कैबिनेट विंग की तरफ से काबीना की मीटिंग के मिनट्स मंजूरी के लिए कल शाम दफ्तर वज़ीर आला पंजाब को भिजवाए गए हैं आज मंजूरी का अमकान है यानी कि आज इसके बाद तो तनख्वाहों में स्केल एक तक सोलह रनिंग बेसिक पर इजाफा पैंतीस परसेंट स्केल सत्रह था बाईस रनिंग बेसिक पर इजाफा तीस परसेंट और पेंशन में साढ़े सत्रह फ़ीसद इजाफे का नोटिफिकेशन जुम्मा तक जारी होने का इमकान है जरा के मुताबिक इजाफा यकम अगस्त से किया जाएगा अच्छा अगर ये यकम अगस्त से होता है तो फिर आपको इस महीने का बकाया नहीं मिलेगा ये मैंने आपके साथ पहले डिटेल शेयर की थी कि अगर इजाफा यकम जुलाई से होगा तो आपको बकाया भी मिलेगा लेकिन अगर जो इजाफा नोटिफिकेशन में जो ये रिवाइज नोटिफिकेशन है ये यकम अगस्त से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो आपको बकाया नहीं मिलेगा जो इस महीने आपको तनख्वाह इनिशियल बेसिक पर मिल चुकी है वही होगी ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है ये अब अगीगा के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जराए कह रहे हैं कि जी ये यकम अगस्त से इसका होगा लेकिन ये तो कन्फर्म है ये देखें ये खालिद संगेरा साहब ने कहा है कि मज़द्र साधराम दीगर मुलाजमीन को बाखबर किया जाता है कि वफाक की तर्ज पर तनख्वाह में इजाफ़े की समरी चीफ़ सेक्रटरी की तरफ से वज़ी अला पंजाब को भिजवा दी गई है वजी अल की मंजूरी के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन निकलेगा अब एक उन्होंने एक्ज़ाम्पल दिया है कि जून में पेश होने वाले बजट जिसमें तीस परसेंट इजाफे का एलान किया गया था इसका नोटिफिकेशन भी अठारह जुलाई को आया था इसकी वो बात कर रहे हैं देख लें नोटिफिकेशन इतना मतलब टाइम लगता है वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो नोटिफिकेशन निकलने में थोड़ा वक़्त लगेगा कभी उम्मीद है कि कल या परसों वज़ी अल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तमाम मुलाजमीन तहमल रखें और कैदीन पर भरोसा रखें यह नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा ये खालिद जावेद संगेरा साहब कह रहे हैं यही बात रहमान अली बाजवा साहब की भी कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब की काबीना की मंजूरी के बाद पैंतीस फ़ीसद तनख्वाहों में इजाफ़ा और साढ़े सत्रह फ़ीसद पेंशन में इजाफा तो हर सूरत में तय है नोटिफिकेशन इन ताला आज या कल में हो जाएगा लेकिन तसली रखें ये अभी अगर ये थोड़ा सा लेट भी होता है तो आपको तनख्वाह तो अगले महीने ही मिलनी है तो एक्सपेक्टेड है जी कि ये जुम्मे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा आज नहीं आया अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कल आ सकता है कल जुमरात है नहीं तो जुम्मे तक इन ताजमी आ जाएगा चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें अपडेट रहेंगे अल्लाह हाफिज़